So, why does a cell needs to divide? We actually don't know the answer for that. If obviously cell has to be sent down the lineage, अगर बच्चे पैदा होने तो ऑब्वियसली बगैर सेल्स के डिवाइड होने नहीं होंगे, लेकिन आपके सोमेटिक सेल्स भी लगातार ग्रो कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं और पुराने सेल्स मर रहे हैं. दैट्स द एजिंग क्वेश्चन विच वी हैव टू आंसर. वी डोंट नो द आंसर टू दैट येट. लेकिन किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए बहुत ही हाई फाइडेलिटी के साथ, बहुत ही लॉयल्टी के साथ कि उसका कोई भी न्यूक्लियोटाइड चेंज ना हो, उसमें किसी किस्म की भी म्यूटेशन ना आए, उसको रिप्रोड्यूस करना है, उसको अपने ही जैसे डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनानी है. हाउ दैट प्रोसेस हैपन्स इज नोन एज रेप्लिकेशन. बेसिकली आपने डीएनए का स्ट्रक्चर तो देख लिया कि इट लुक्स लाइक अ लैडर, बट ऑन दैट लैडर दोनों स्ट्रैंड्स एक्ट कर सकते हैं एज अ टेम्पलेट टू मेक अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. नाउ लुक एट दिस इमेज. सो बेसिकली क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, जो बेसिकली जिसके अराउंड वो वाउंड हुए होते हैं. तो इफ यू कीप लुकिंग, अल्टीमेटली सुपर कॉयल होते 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 अगर आप उसको अनकॉयल करें, तो वट यू हैव इज अ डीएनए हेलिक्स विच इज अ स्ट्रैंड ऑफ एटीजी एंड सीज. एज कंपेयर टू बैक्टीरिया विच इज एक्चुअली मोर रेलिवेंट टू आवर कोर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टफ वी डू इज इन प्रोकैरियोट्स एनीवेज, इज बैक्टीरियल डीएनए जिसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है, इट्स अगर मैं इस क्रोमोसोम को खोलूं तो इट्स नॉट लाइक दोज एक्स शेप क्रोमोसोम्स जो आप पिछली इमेज में देख रहे थे. इट इज बेसिकली अ ह्यूज सर्कुलर क्रोमोसोम. बेसिकली अगर मैं इसको फैलाऊं तो इट विल बी अ बिग सर्कल. और स्मॉल प्लाज्मिड्स भी होते हैं जो बेसिकली विच आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स विच कैन डिवाइड इंडिपेंडेंटली एज वेल. और हम बायोटेक्नोलॉजी में उनके इंडिपेंडेंट रेप्लीकेट करने की एबिलिटी को बहुत ही उम्दा तरीके से इस्तेमाल करते हैं. सो वट आर द की प्लेयर्स इन दिस रेप्लीकेशन ड्रामा? यू हैव हीलिकेस विच बेसिकली ओपन अप द डीएनए, यू हैव पॉलीमरेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली एडिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड्स टू द डीएनए, यू हैव प्राइमेज. मैं आपको प्राइमेज का एग्जैक्ट फंक्शन बेसिकली अगली इससे अगले टॉपिक के अंदर समझाऊंगा बिकॉज इट्स नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड. लाइगेज विच बेसिकली ज्वाइंट्स टू फ्रेगमेंट्स. जाइरेज, जाइरेज बेसिकली के जो डीएनए सुपर कॉयल होता है उसको इस पोजीशन में रखता है कि बेसिकली उसको फर्दर कॉयल ना होने दे, क्योंकि अगर वो फर्दर कॉयल हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपकी आपका रेप्लीकेशन फोर्क प्रोसीड नहीं कर सकता. एंड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, यू विल सी दैट वेयर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स कम्स इन टू प्ले. सो रेप्लीकेशन फोर्क जब बनता है, डबल हेलिक्स अनजिप हो जाता है, तो जो जो आपको दो हेलिकल स्ट्रैंड नजर आ रहे थे इकट्ठे, दे आर पुल्ड अपार्ट बाय दिस रेप्लीकेशन फोर्क जिसमें हेलिकेज ह्यूज रोल प्ले करता है. और ये जो रंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लैडर हैं, जो जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, उसको हेल्ड क्या चीज करती है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स. वो बेसिकली स्टेरिकली उसको एक दूसरे से इतना दूर कर देती हैं कि ये सारे एंजाइम्स बीच में आके अपना फंक्शन कर सकें. एंड फर्दर टू द रेप्लीकेशन फोर्क अपस्ट्रीम टू इट, जाइरेस बेसिकली सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए प्रिवेंट कर रहा होता है. सो बेसिकली इफ यू लुक एट दिस इमेज वेरी केयरफुली, व्हाट यू आर वॉचिंग हियर इज दैट दिस इज डीएनए हेलिकेज, और वो बेसिकली इसको अनजिप करता जा रहा है जबकि डीएनए पॉलीमरेज यहां पे बैठा आराम से नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा है. नाउ जो डीएनए जाइरेज है इस इमेज के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन अदरवाइज डीएनए जाइरेज यहां पर बेसिकली फर्दर सुपर कॉइलिंग को उसको या तो अनकॉइल कर रहा होगा या उसको रोक रहा होगा कि वो फर्दर सुपर कॉइल ना हो. दैट इज हाउ रेप्लीकेशन प्रोसीड्स. लेकिन इसमें वन ऑफ द मेजर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो समझने वाला है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
That is of the functioning of DNA polymerase.